नमस्कार। दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। होली की अनेकों शुभकामनाएं आप सबको। और सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, अमित शाह शामिल होंगे, जेपी नड्डा शामिल होंगे, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो 25 मार्च शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश के। समय हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक बताएं। बिल्कुल श्वेता, और ये अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि शपथ ग्रहण का दिन और वक्त दोनों तय हो चुका है। 25 मार्च शाम 4 बजे इकाना स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 50,000 से ज्यादा बीजेपी के समर्थक लोग मौजूद होंगे। स्टेडियम को इसीलिए चुना गया है ताकि इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। सभी जो टॉप बीजेपी लीडरशिप है, खास करके प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, कई बड़े केंद्रीय मंत्री और साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और जो सहयोगी दल हैं, उन सभी सहयोगी दलों के लोग उस वक्त मौजूद होंगे। यहां तक कि विपक्ष के भी सभी बड़े नेताओं को न्योता भेजा जाएगा। और बीजेपी का एक तरीके से ये 5 साल के बाद जो दूसरी प्रचंड जीत है, इसमें कहीं ना कहीं उनका अपना ताकत प्रदर्शन भी कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा शो ये होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे। अब तमाम अटकलें इस बात पर हैं कि कौन कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल होगा। अब चर्चा उसी बात की चल रही है। माना यह जा रहा है कि 22 तारीख को, 21 की रात को या 22 को अमित शाह आएंगे, जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, और उनके साथ रघुवर दास होंगे। और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा। और उसके बाद मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार है, उसकी प्रक्रिया पूरी होगी 25 की शाम को, लेकिन काउंटिंग के 15 दिन बाद। अभिषेक, सब कुछ तय ही था। एक बार फिर से वहां पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी लौटी थी, योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया। ये समय इतना क्यों लग गया है? कई दौर के मंथन भी हुए हैं, कई चर्चाएं हुई हैं। देखिए, बीजेपी को सब कुछ मालूम था कि अब जब जीत गए हैं तो बहुत हड़बड़ी भी नहीं है। होली को गुजरने देना था। 20 तारीख को मुख्यमंत्री लौटेंगे गोरखपुर से, कल उनकी होली है, तो कल पूरे दिन वो गोरखपुर में रहेंगे, 20 तारीख को लौटेंगे। लेकिन बीजेपी ने इस कार्यक्रम को लंबा इसलिए खींचा ताकि इसकी भव्यता को बड़ा इसको बड़ा भव्य बनाया जा सके, इसकी चर्चा लंबे समय तक हो सके। और कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी जिस मंत्रिमंडल को लेकर के सामने आने वाली है, वो चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला कहने का मतलब यह है कि बीजेपी 2024 को ध्यान में रखकर ये मंत्रिमंडल बनाने जा रही है। ऐसे में कुछ दिनों तक कयासों के भी दौर चलेंगे और तब मंत्रिमंडल होगा। यानी कि बीजेपी ने पूरी तैयारी इस बात की कर रखी है कि 25 तारीख को जब ये भव्य कार्यक्रम हो, तो ये जो 15 दिनों का वक्त हो है, इस पे बीजेपी की ही चर्चा होती रहे और चलती रहे। और यही मुझे लगता है कि ये इसके पीछे का एक मकसद ये भी जरूर है। हालांकि होली के करीब हफ्ते भर बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, 4 जगहों के मुख्यमंत्रियों के शपथ के बाद, 3 के शपथ के बाद, ये आखिर में ये शपथ होगी, तो इसे सबसे भव्य बनाया जाएगा।